आज हम गुड़ से बिल्कुल हलवाई जैसी जूसी एकदम कुरकुरी जलेबी बनाकर तैयार करेंगे, जिसमें जूस तो अनलिमिटेड होगा। आप जरूर बनाइएगा इस तरीके से। तो चलिए हम ऐसी ही जूसी मजेदार सी जलेबी को बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल भी रखते होंगे। आज हम बनाएंगे गुड़ से बहुत ही टेस्टी जलेबी, जो कि बिल्कुल हलवाई जैसी बनेगी और एकदम कुरकुरी बनेगी। आपको मेरे ही तरीके से बनाना है, अपना तरीका बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और जैसे मैं बनाऊंगी, मेरे सारे ट्रिक को आप फॉलो करिएगा और आपकी जलेबी तो मुझसे भी ज्यादा और हलवाई से भी ज्यादा अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आ जाएगी, तो वीडियो को मेरे आप प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर फर्स्ट टाइम आए गए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सब्सक्राइब लाल कलर का है और फ्री में सब्सक्राइब है। साइड में दी हुई बेल आइकन की छोटी सी घंटी भी है, उसे भी आपको ऑल पे क्लिक कर लेना होगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गुड़ की जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ ले रखा है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट रखा है गुड़ को। ये वही नॉर्मल वाला गुड़ है और प्रेजेंट टाइम में जो व्हाइट वाला गुड़ आ रहा है, आप उससे भी बना सकते हैं, बट मैं इस वाले गुड़ से बना रही हूँ, जो कि थोड़े से डार्क कलर के होते हैं ना, काले काले से, उसी वाले गुड़ से मैं बना रही हूँ। तो आप लाइट कलर वाले से भी बना सकते हैं चाशनी को। चलिए फटाफट से हम चाशनी बना लेते हैं। और गुड़ मैंने 500 ग्राम ले रखा है। मैंने ये मैदा ले रखा है और मैदा मैंने 1.5 कप लिया है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से मैदा रख सकते हैं। अगर वेट करें तो ये 400 ग्राम के करीब मैदा होगा। और हमें चाहिए 1 कप दही। मैंने ये थोड़ी सी खट्टी वाली दही ले रखी है, आप थोड़ा सा खट्टा ही दही ले लीजिएगा। इससे जो कि मार्केट में जलेबी मिलती है ना, थोड़ा सा खमीर होता है, वो यही काम करेगी दही हमारी। और इस जलेबी को आप मिनटों में बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। मैंने यहाँ पे ले रखा है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। हमें बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब डालना है, या फिर आधा छोटा चम्मच मान लीजिए, 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और हमें चाहिए बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा हम पिंच से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने ये फूड कलर ले रखा है, जो कि ईजिली आपको मार्केट में 5 से 6 रुपये में, तो आप चाहें तो इस वाले कलर का जलेबी में यूज करें, या फिर इस वाले का आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर का यूज कर सकते हैं, या फिर केसरी फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और फटाफट से हम पैन में चाशनी बनाएंगे। सारा गुड़ हम डाल देते हैं। आप बारीक बारीक गुड़ को काट के और साफ कितना है, कितना क्लीन है, ये सब देख के ही बनाइएगा। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। चाशनी को हम आराम से पकने देते हैं और हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। मैंने ये मैदा ले रखा है और मैदा को मैंने छान लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे ये सारी दही। दही को और मैदे को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर जो हमने ले रखा है, बेकिंग सोडा हम डालेंगे, और बेकिंग सोडा को हमें कैसे डालना है वो भी देख लीजिए। इस तरीके से आपको लेना है और पिंच से ऐसे उठाना है, एक पिंच में जितना आ जाए बस उतना ही आपको डालना है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं जलेबी में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीठा मीठा सा अच्छा नहीं लगता, तो आप थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा, 1 से 2 पिंच। मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे से और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। सेम बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और अब हम मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी इसमें डालते हुए देखिए इसका बैटर तैयार कर लिया है और कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी है। तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, बहुत थोड़ा सा डालेंगे इतना, और अब हम स्पून का काम ख़त्म करेंगे। अब हम हाथ से स्टार्ट करेंगे इसको फेंटना, क्योंकि हाथ से फेंटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हलवाई जैसा बने तो आप हाथ से ही फेंटिएगा। स्पून को हम हटा देते हैं और हाथ से फेंटना स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिए, एक ही डायरेक्शन में हमें ऐसे फेंटते रहना है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट अच्छी तरीके से। बैटर को देखिए, मैंने एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी कर दी है, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, तो एक ही डायरेक्शन में अगर आप फेंटेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और आपकी जलेबी हलवाई से भी अच्छी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 पिंच के करीब फूड कलर, बस इतना ही डालेंगे। देखिए मैंने और बचा लिया है और अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। मैं केसरी फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप परेशान ना होइए, विदाउट कलर के भी जलेबी बनाई जा सकती है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप
थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं फूड कलर के बजाय, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कलरफुल बनाना और कलर नहीं है तो हल्दी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप विदाउट कलर के भी बना सकते हैं। बैटर हमारा बनकर तैयार है, अब हम फटाफट से चाशनी को अपने देख लेते हैं और जलेबी को बनाना स्टार्ट करेंगे। चाशनी देखिए बहुत ही बढ़िया बन चुकी है और मैंने रिफाइंड ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और रिफाइंड ऑयल एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई नहीं गर्म होना चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम में जलेबी को डालेंगे पकने के लिए तो फिर तो भैया आपकी जलेबी सत्यानाश हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो मीडियम एकदम फ्लेम होनी चाहिए और एकदम धीमी आँच में रखेंगे तो वो चाशनी अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और खाने में जूसी नहीं लगेगी। जब तक रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम फटाफट से बैटर को डाल लेते हैं पॉलीथीन, और फटाफट से हम ले लेंगे एक पॉलीथीन। मैं आपको रिफाइंड की पॉलीथीन में बनाना बता रही हूँ, आप चाहें तो दूध के पैकेट या फिर नमक के पैकेट से भी बना सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा हम इस तरीके से इसे फैला देंगे, ऐसे देखिए, और इसमें हम फटाफट से बैटर डाल देंगे। इस तरीके से उठाना बहुत आसान हो जाएगा। बैटर को हमें डाल देना है, बैटर की कंसिस्टेंसी आपको एकदम फिट रखनी है। बैटर को मैंने डाल दिया है और इस तरीके से हम उठाएंगे और सारे पॉलीथीन को अच्छी तरीके से कवर कर देंगे, बैटर को अंदर कर देंगे और एक साइड कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये वाला कॉर्नर हमें हटा लेना है ऐसे, और देखिए एक कीप तैयार कर लेनी है, ऐसी कीप बना लेनी है हमें। ऐसी कीप तैयार करने के बाद देखिए ये साइड वाला जो था उसे भी हम इसमें अटैच करेंगे। ऐसे इकट्ठा करने के बाद हम एक रबर बैंड लगा देंगे इस तरीके से, ताकि बनाना आसान हो जाए, खुले नहीं। ऐसे आपको रबर बैंड थोड़ा सा टाइट ही लगा देना है। इसे एक ही साइज़ की आपकी जलेबी बनकर तैयार होगी। रिफाइंड ऑयल देखिए अच्छा खासा गर्म हो चुका है और अब हम एकदम फ्लेम को कर देंगे धीमी, और धीमी फ्लेम करने के बाद हम इसके कॉर्नर थोड़े से कट करेंगे जो हमने कीप तैयार कर रखी है। मैंने ये देखिए कॉर्नर को काट लिया है और आप अपने अकॉर्डिंग कॉर्नर काट सकते हैं। और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। देखिए जलेबी को एक ही शेप हम देते जाएंगे ऐसे, और देखिए जलेबी कितनी अच्छी तरीके से पक रही है। ऐसे ही हमें पकने देना है आराम से, बस आपको शेप पे ध्यान देना है, आप शेप कैसा दे रहे हैं इस तरीके से। देखिए कितनी बढ़िया फूल रही है जलेबी हमारी। और अब हम इसे थोड़ा सा और बीच में भी बना लेते हैं क्योंकि ऐसे ये देखिए कितनी बढ़िया जलेबी बनी है, कितनी अच्छी तरीके से पक रही है, आप खुद ही देख लीजिए। बनाना इसे बहुत आसान है, एकदम इजी है। और अब हम इसे आराम आराम से पकने देंगे, दोनों ही साइड हमें अलट पलट के पकाना है। कितने बढ़िया तरीके से जलेबी हमारी पक रही है। और अब हम इसे दूसरी साइड होने के लिए पलट देंगे, इस तरीके से आराम से उठाएंगे और इसे हम पलट देंगे आराम से पकने के लिए। बहुत ही बढ़िया पकती है जलेबी, आप ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। जलेबी को हम एकदम कुरकुरी होने तक पकाएंगे, देखिए पक रही है आराम आराम से। और जब तक अगर आप इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे नहीं, फिर आप चाशनी में इसे डाल देंगे चाशनी, तो ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले, पर खाने में कुरकुरी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से जलेबी हमारी पक चुकी है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। हम इसे बीच से थोड़ा सा तोड़ देंगे, देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मैंने पका रखी है, एकदम कुरकुरी। ऐसे में उठाना है और बीच से तोड़ देंगे हम, और इसे डालेंगे हम चाशनी में, क्योंकि बड़ी सी तई हमारे पास नहीं है चाशनी वाली। ऐसे हम उठाएंगे, थोड़ी देर के लिए इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। मैंने ये चाशनी ले लिया है और चाशनी में हम फटाफट से इसे डाल के थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे, दबा देंगे। बची हुई जलेबी को भी हम फटाफट से चाशनी के अंदर डिप कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हमें इसे कवर कर देना होगा, ताकि अच्छी तरीके से चाशनी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले सारी जलेबी। अच्छी तरीके से मैंने चाशनी में जलेबी को डिप कर दिया है, सारी जलेबी हमारी बनकर तैयार है। और देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही प्यारा सा कलर भी आया है। मैंने अच्छी तरीके से इनको कुरकुरा होने तक पका लिया है, और आपको ऐसे ही पकाना है जब तक ये कुरकुरे अच्छी तरीके से ना हो, तब तक आपको तेल से निकाल के चाशनी में डिप नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप अच्छा हलवाई जैसा चाहते हैं तो देखिए कितनी कुरकुरी है जलेबी, बहुत ही अच्छी बनी है। इसे आप कहीं से भी तोड़ेंगे, देखिए लग रही है ना बिल्कुल हलवाई जैसी। हलवाई की जलेबी ऐसी होती है ना, मुँह में जाते ही बस टूट जाती है, तो ऐसे ही आपको भी बनाना है। और जूस तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा है, इसमें जूस कितना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा दबा के। देखिए बहुत ही प्यारी जलेबी बनी है, एकदम कुरकुरी। इसे हमने गुड़ से बनाया है इसलिए डार्क कलर है इसका, और गुड़ की जलेबी का कलर सेम ऐसे ही होता है।
आप देख लीजिए जूस, और पास से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया जूस है इसमें, मैं आपको दबा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा जूस निकल रहा है इसमें। आप खाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगी, आप अपनी फैमिली में सभी को खिलाइएगा। देखिए मार्केट वाली जलेबी आप घर पे ही इजीली बना सकते हैं, कहीं से भी आप इसे तोड़ेंगे तो जूस इसमें से निकल रहा है। देखिए सारा जूस बाहर हो रहा है। तो ऐसी ही जलेबी तो आप चाहते हैं ना, एकदम कुरकुरी बने। बहुत ही यम्मी बनी है, आप ऐसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप बनाइएगा, खाइएगा, अपने फैमिली में सभी को खिलाइएगा। तो सभी सोचेंगे मार्केट से जलेबी, तो अब नहीं लाएंगे, अब घर पे ही जलेबी बना के तैयार करेंगे। अभी तो फिलहाल ठंड का मौसम है, तो गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी करना चाहिए, और गुड़ की जलेबी सभी की फेवरेट होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।